Dear students, in this topic we shall discuss the autorhythmicity of pacemakers. Autorhythmicity is the ability of certain cardiac cells to spontaneously and repetitively generate an electrical impulse without a stimulus. From the nervous system. Any cardiac cells that can generate an impulse and can maintain heart rate are known as pacemakers. Such cardiac cells include the sinoatrial node, cells of the atrioventricular node the bundle of his and purkinje cells These cells jo hai, they have the ability to generate impulses however the rhythmical discharge of sinoatrial node is faster than all other impulse generating parts that is it generates impulses at a rate of about 70 to 80 times per minute. So, sinoatrial node is virtually always the pacemaker of a normal heart. ये dominate करता है चूंकि सब पर इसलिए बाकी तमाम अपनी pacemaker activity को show नहीं करते. सिर्फ sinoatrial node जो है ये ही pacemaker of heart के तौर पे काम करता है. लेकिन अगर साइनो एटियल नोड अपना काम स्टॉप कर दे तो ऐसी सूरत में अदर रिदमिक कंपोनेंट्स में टेक कंट्रोल ऑफ दी रिदमिसिटी एंड हार्ट बीट लेकिन ये इस तरह के आ, जो पेसमेकर्स हैं उनका रेट ऑफ एक्शन या रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन जो है वो स्लो होता है ऐसे पेसमेकर्स को फिर हम एक्टोपिक पेसमेकर्स कहते हैं ये जो एक्टोपिक पेसमेकर्स हैं दो तरह के हैं एक एट्रियोवेंटिकुलर नोड है जिसका डिस, रिदमिक डिस्चार्ज रेट 40 से लेकर 60 टाइम्स पर मिनट होता है और दूसरे एक्टोपिक पेसमेकर फाइबर्स हैं जो कि 15 से लेकर 40 टाइम्स पर मिनट तक डिस्चार्ज ऑफ इंपल्सिस कर सकते हैं यही वजह है कि अगर एक्टोपिक पेसमेकर ने हार्ट का कंट्रोल संभाला हो तो हार्ट बीट की रफ्तार 40 से 60 के दरम्यान में या 15 से 40 के दरमियान में आ जाती है डिपेंडिंग ऑन दाइप ऑफ एक्टो एक्टोपिक, एक्टोपिक पेसमेकर जिसने के हार्ट बीट को कंट्रोल रखा हुआ है

इनके पास स्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होता तो फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो नहीं है लेकिन हम इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो रेस्टिंग की जरूर है लेकिन ये जो साइनोइटर नोट के आ, फाइबर्स हैं इनकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो सिर्फ माइनस से लेकर माइनस सिक्सटी के दरमियान होती है इसके मुकाबले में जो अदर वेंटिकुलर मसल फाइबर्स हैं उनमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बकायदा तौर के ऊपर माइनस एटी फाइव टू नाइनटी मिली वोल्ट के दरमियान होता है ऑफ दिस लेस नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज दैट सेल ऑफ दीज सेल्स पेसमेकर सेल्स आर नेचुरली लीकी टू सोडियम एंड कैल्शियम कैल्शियमाइंस इनसे सोडियम और कैल्शियम आइंस का जो फ्लो है वो कॉन्टिन्यूस रहता है इसका इफेक्ट क्या होता है पोटेंशियल ये स्टूडेंट्स ये पेस मेकर पोटेंशियल चूंकि राइज करता है इसलिए जो ही ये थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंचता है एन ऑल आर नॉन एक्शन पोटेंशियल इज generated this action potential uh, is conducted to whole of the cardiac tissue and contraction is caused